अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने एपिसोड 1 देख ली होगी मेरी। जिसने नहीं देखी वो जनाब मेरे चैनल पे जाए और नीचे जो क्लिक करे जाके एपिसोड 1 पे मेरी की, तो पहले वो देखें। अच्छा, तो अब कंटिन्यू करते हैं। सुबह हो गई है और मैं आपको दिखाता हूँ सुबह का सीन क्या है। आँखों के सामने ये नज़ारा नज़र आ रहा है। इस नज़ारे के लिए हमने ये रूम चूज़ किया था रात को। हालांकि इसे अच्छे भी रूम मिल रहे थे, लेकिन सामने ये नज़ारा नहीं था मिलना। तो मरी आए हैं, ये चीज़ देखने आए हैं, यही ना मिले तो क्या फ़ायदा इतने अच्छे रूम्स का। लेकिन ये भी अच्छा रूम है, बेहतरीन रूम है। लेकिन अब देखते हैं जनाब। भाईजान भाईजान, हेलो। यार कैमरे की आंख आपको देख रही है। सुबह सुबह व्लॉगिंग स्टार्ट करती है होश यार। करें, होश। बड़ा घूमना है, नथिया, यूबिया, क्या टाइम हुआ यार, गिलियात। टाइम यार, घड़ी तो खराब होगी, तो बाकी टाइम देख लेंगे। आए अब हम यार, बड़ा मुश्किल काम है 7:08 होने वाले हैं। इधर से बाहर निकलना, क्योंकि बाहर टेम्परेचर है 3 डिग्री। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि बाहर का क्या सीन है। तो सबसे पहले तो यार मिरर मूवमेंट दो मैंने हैरी है। पानी पड़ा डी यार, इधर देखते हैं क्या सीन है। पानी उन्होंने कहा था रात को पानी गर्म होगा, लेकिन देखते हैं। ओए होए होए हो, ठंडी ठंडी हवा। बॉयज ये चेक करें, इस नज़ारे के लिए तो हमने इतने पैसे खर्च दिए हैं और भाई साहब अभी तक स्टिल बेड पे। अब बाहर आए ये जनाब। इस रूम का अलग से टेरेस है, यहाँ पर नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह अभी। तो ये सामने देखें बॉयज, क्या नीचे की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है। हाँ, इसकी इसकी इस्त्री की भी आवाज़ आ गई है। खैर, हमने तो सारे कपड़े लाए नहीं है। आप नीचे देखें जनाब, ये वही होटल जिसमें हम ठहरे हैं। एक वो वाला एरिया है, एक ये वाला था जो ये ज़रा हाइट पे था। सामने ज़रा व्यू अच्छा आ रहा है। वो सामने जनाब, मुझे नहीं पता ये कौन सी पहाड़ी, आई थिंक ये एबटाबाद की पहाड़ी है। रात को उन्होंने यही गाइड किया था। तो बस ये अभी का सीन है सारा। बाकी यार ठंड कसम से बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए कितने मज़े का यहाँ दरख्त नज़र आ रहे हैं नीचे, क्या वाइब्स है। बस निकलते हैं, नाश्ता करेंगे यहाँ से और फिर निकलेंगे और फिर दिखाएंगे सारा आपको रास्ते में बाकी सारे सीन। यहाँ पर होटल्स तो काफ़ी थे, एक्सपेंसिव हैं क्योंकि अभी तो सीज़न चल रहा है, लेकिन मज़ा भी तो है यार साथ साथ। फाइनली जनाब हम लोग रेडी हो गए, ड्रेस चेंज कर लिया। वो रात वाला था, अब ये दिन वाला है। और भाईजान भी फुल रेडी हैं जनाब। और एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे, जब भी आप कहीं आएँ आपने सफाई का ख्याल रखना, जैसे हमने रखा। देखें हर जगह अपनी जगह पे मेंटेन है, कोई गंदगी नहीं, कोई डस्टबिन फेंकेंगे जो कुछ है। और अपनी जो है आपका जो बिस्तर है वो आपने ठीक करना है, ताकि ये गुड मैनर्स होते हैं, ताकि जो बंदा देखे उसको पता चले कि यार कुछ बंदे आए थे, हाँ वो वेल एजुकेटेड थे। तो आप लोगों ने बिस्तर जो है पहले अपना वो सही करके जाना है यहाँ से। और लास्ट टाइम फिर आपको व्यू देते हैं इधर का। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने कहा सोचो आपको ज़रा व्यू दे दे। अभी तक यहाँ पर कोई बंदा उठा नहीं है हमारे अलावा, क्योंकि हमने जाना है आगे और आपको अच्छे से व्यू दिखाने हैं। तो बस यहाँ से निकल रहे और करते हैं इस रूम को बाय बाय और फिर नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं। फाइनली जनाब होटल से चेकआउट कर लिए, तो गाड़ी को जनाब सुबह करने लगे हैं कोर्स स्टार्टअप। दुआ करता हूँ कि गाड़ी ईजी स्टार्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गाड़ी फाइनल स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर देर नहीं, तो बस यहाँ से निकलते हैं। फिर टाइम आप लोग देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं जीपीओ दिन के टाइम। ये अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन देखें टाइम क्या हो गया। तो बस यहाँ से निकलने लगे हैं। पूछो जी, तो हम लोग अब जा रहे हैं जी टूवर्ड नथिया गली अयूबी की तरफ। और आप देखिए कितने मज़े का, सारी वाइब्स आ रही हैं। तो आप सुबह सुबह का टाइम है, तो ये पैसा रास्ता नहीं दे रहे, दे ही दिए फाइनली बगैर इंडिकेटर लगाए। तो ये अपनी फैमिली के साथ मंदिर थे। रिपोर्ट ये है कि जनाब यूपी की तरफ है, और देखे जनाब सामने, और जनाब ये देखे सारा सीन। और यहाँ पर देखें क्या, कितने मज़े का जनाब बना हुआ स्पॉट। आई मिस यू, जो किसी को मिस करता है वो यहाँ पर आके पिक्चर बनाए जी। फैमिली इधर जाके बनाने का। हाँ हाँ, ये बर्फ का है। हाँ हाँ, यहाँ आके खड़े हो जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ। इधर ये डेली बनाते हैं, आगे रोज बनाते हैं इधर रोज। तो किधर से लाते हैं ये? रोज बनाते हैं ये, वो उधर दूर दराज से बर्फ लानी पड़ती है, ये लोग तोड़ भी देते हैं रात को। ओए, हमें वो पॉइंट मिल गया है जिसका हम इंतजार था, रात के देख रहे हैं इस तरह का कोई पॉइंट नहीं आया। तो बस यहाँ पर करते हैं फोटो सेशन,
और जनाब सुबह सुबह जनाब देख सकते हैं आप क्या सीन है, धूप नहीं निकल रही। और मैं जनाब करता हूँ भाईजान का फोटोशूट। गाड़ी पार्क कर दी है, ओए वाह देसी वाइब्स यहाँ पर भी आ गई हैं। ये जनाब यूबिया को पॉइंट है, चेयर लिफ्ट का ऊपर चेयर लिफ्ट है। तो बस नाश्ता करने लगे, स्पॉट मिल गया यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि फ्रेश नाश्ता मिलेगा, तो बस यहाँ से नाश्ता करते हैं और चलते हैं फिर आगे चेयर लिफ्ट पर। फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, हमने सुबह सुबह जनाब देसी जनाब वो मुर्गी की वो कढ़ाई लगवा ली है। और होटल जो आप देख सकते हैं भाईजान फुल भूख लगी थी भाई को भी, कहते हैं कढ़ाई खा ली सुबह सुबह। ये देखें हमारा प्यारा पाकिस्तान का फ्लैग, और जनाब ये देखें अयूबिया की सारी वाइब्स है। होटल बड़ा अच्छा था लेकिन हमने बाहर जनाब सेटिंग ली ताकि थोड़ी बहुत जो धूप आ रही वो ले सके, और क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आप लोग पीछे सारा सीन चेक करें कितने मज़े का है, एकदम का मौसम है, फ्रीज होने का करीब। अच्छा चले कोई नहीं। और जनाब ये हम तो खड़े हैं सीधे पंजाब रेस्टोरेंट पे, तो बस वो सामने जनाब देखें फुल हिल्स जो है सामने, और सर्दी फुल है। बस खाना खाते हैं फिर जाते हैं चेयर लिफ्ट पे, देखते हैं क्या सीन है। अब नाश्ता हैवी कर लिया है तो अब नींद आ गई है, अभी जनाब जाना है ऊपर। आप लोग देख सकते हैं पीछे चेयर लिफ्ट है, तो बस जा रहा हूँ उधर, देखते हैं। कह रहे हैं कि बंद हो गई है यूबिया की वो जो चेयर लिफ्ट है, लेकिन ट्राई करते हैं अगर ये कुछ सीन बना तो, नहीं तो फिर वापस चलते हैं। ये जनाब आप लोग देख सकते हैं इस वक्त सारा कुछ बंद है और इसकी कोई मेंटेनेंस चल रही है, तो किधर जाएं फिर देखते हैं। बल्कि हमारे वाले इधर लगता है कुछ सीन नहीं है, इसलिए लगता है हम यहाँ से वापस हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई पिक्चर बनाते हैं, चलते हैं फिर नीचे। आप लोग फील कर सकते हैं हम लोग कलियात में घूम रहे हैं मरी। ये देखिए जनाब बंदर ही बंदर, ओए 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 ओए, देखो जी ये बाइक वालों को तंग कर रहे हैं वो, तो बस यार ये सीन है इधर का। फाइनली हम लोग जनाब जा रहे हैं अब नथिया, ये आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर सारे पार्क वगैरह हैं सारे, वो जो सीन है नथिया का ये सारा, बस नथिया जा रहे हैं। टाइम देख सकते हैं क्या हो गया, 11:30 हो गया, नथिया जाते हैं। वहाँ पर एक आबशार है, वो देखेंगे कोई बाजार वगैरह है साथ में। ये कौन सा बाजार है जी? लाला जय पार्क, लाला दार पार्क है ये। हाँ जी, तो जनाब देखिए सारी खास राइडिंग है, लेकिन हमने नहीं करनी भाई जान, घोड़ों का कोई पता नहीं कि किसी वक्त नीचे ले जाए, तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी मौत को माजी मनाए, इसलिए हम जी फाइनली नथिया आ गए। तो वो जनाब देखे सामने हमें फिर मिल गया स्पॉट एक नथिया गली का, वहाँ पर भी पिक्चर बनाते हैं। और वाह, और देखिए यहाँ यहाँ पर घोड़े खड़े हैं, ये हमें लेके जाएंगे आबशार तक, अगर हम गाड़ी पे जाएंगे ट्राई करेंगे ना तो फिर वापस आ जाएंगे। नहीं भाई जी थैंक यू। यार हम लोग जा रहे हैं डुमेली वाट जो है आबशार देखने, ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, आप बाइक में रेस्ट दी है। और देखे सामने यार वो देखें जी, उस जगह को हमने क्रॉस करके जाना है, देखें ऐसे ऐसे घूम के जाना है, हमने पहुँचना है। और इस तरह का रोड है, तो पाकिस्तान की ब्यूटी यही है। अब देखते हैं कि ये जनाब हमारी महर हो जाती है कि नहीं। लगाए इतना गंदा रास्ता था ये वाला, गाड़ी में ज़ीरो ट्रैक्शन थी, और हम लोग किस जगह पे आए बस ये चीज़ देखने, आबशार होटल की पार्किंग। और ऊपर गए, ऊपर इतना गंदा रास्ता था कि गाड़ी जनाब बस कर गई, लेकिन महरू फिर महरू ही है, लेकिन हम लोग फिर ले ही आए। बाकी दिखाते हैं सारा सीन आपको इधर का भी, वो आबशार जिसको हम देखने आए थे इतनी दूर से। तो असल में अभी ना यहाँ पर पानी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर कितने मज़े के भाई जान हाथ ला दे, और यार बड़े मज़े की वाइब आ रही इधर। गाड़ी हमने उधर पार्क कर ली हुई है, और हम लोग इस रास्ते से जनाब ऊपर गए। आप लोग फील करेंगे किस तरह की जनाब हील है, आप हील है कि ये देखें कितनी ज़्यादा। और जब गाड़ी वो आगे वहाँ तक गई है ना, तो गाड़ी को एक दफ़ा पता चला कि मैं कहीं आ गई ऐसी जगह पे कि बस होगी गाड़ी की भी, लेकिन बड़ी मुश्किल से लेके गए हैं और ऊपर से टर्न करके गाड़ी वापस लाए हैं, ताकि फ़ायदा कोई नहीं है इस जगह पर कि टायर ब्रस्ट हो जाए, कोई और प्रॉब्लम बन जाए, तो फिर सारे टूर की सत्यानाश होती है। तो बस करते हैं इसको एंजॉय। देखें एक चीज़ ये है, उसके अलावा एक नीचे पॉइंट बना हुआ है आबशार का। किधर बैठे जी? सारी जो है ना कोस्टर जितनी भी हैं यहाँ पर, सारे टूरिस्ट आए हैं। देखें जनाब किधर आए हैं जी, डोंगा गली बाज़ार। तो ये साथ ही जो है ना, ये देखें ये जो बड़ा फेमस पॉइंट है इधर का, आप लोग देख सकते हैं सामने, और यहाँ पर लोग आते हैं सारे घूमने फिरने। और जनाब जाते हैं मुश्कपुर टॉप, वो मैं दिखाता हूँ किधर है आप। लेकिन हम लोग क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि क्योंकि हमने वापस घर जाना है। और दूसरा बात, सबसे मेन वजह ये है कि 3 घंटे कौन जनाब हाइकिंग करे। और ये जो रास्ता है ऊपर वाला,
ये जनाब जा रहा है, देखें जी ये ऊपर जनाब जा रहा है रेस्ट, यानी कि ये जो एरिया है ना ये ऊपर जा रहा है जो करने के लिए, ये डोंगा गली हो गया ये वाला टूरिस्ट फैकल्टी डोंगा गली। और हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर एक तो 3 घंटे की करनी थी हाइकिंग और ऊपर से हम लोग थक जाना था, तो फिर ड्राइविंग नहीं थी होनी, फिर हमें एक और जो है नाइट यहाँ पर स्टे करना पड़ना था। लेकिन अभी हम लोग जनाब घर वापस जाएंगे, रस्ते में जनाब देखेंगे कोई अच्छा सा पॉइंट वो भी, फिर जनाब इस्लामाबाद या पिंडी देखेंगे कोई, फिर घर जाएंगे। तो निकल आए थे वो क्या नाम था जुल्फी आबशार से, तो सारा घूमते फिरते जनाब अभी आ गए वापस गिलियात, और यहाँ से जनाब एक कप चाय पिए, एक कप चाय, आए हाय भाई ने हमें पिलाई, आए हाय यार इधर से चाय पिए। और वहाँ पर जनाब सारे टूर वगैरह आए हुए हैं, तो बस यहाँ से निकलते हैं टूवर्ड्स मरी, फिर वहाँ से वापस इस्लामाबाद। टाइम काफ़ी हो गया यार, टाइम देखें यार क्या हो गया, 2:30 हो गए हैं, यहाँ पर ऐसे लग गई हैं। सीन कुछ ये है जी, देखें आबशार इधर ही है, और ये जी जुल्म करते हुए गाड़ी पे, देखिए जी। तो ये जनाब जी, जनाब नाजरीन जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ इन गाड़ियों का राज है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम अपनी मैरो को यहाँ पे ले आए थे, और हमें ऐसा सा हमने ट्रैक किया, इस पर ट्रैक तो हमने किया है, बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरी है, 110% पूरा उतरी है जी। टायर ऑफ रोड है ही नहीं ये वाले, ये तो वहाँ रोड टायर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ले जी आबशार का जो रास्ता है इट्स वेरी डेंजरस, कीप राइट इट, कीप राइट भाई। हम लोग आ गए इस वक्त किधर हैं जी, यहाँ से तक मरी है 17-18 किलोमीटर। तो गाड़ी में दोबारा करने लगे हैं फ्यूल फिलअप, और अभी जनाब गाड़ी चली कितनी है जी, गाड़ी जनाब चल गई है वहाँ पर थे 305, यानी कि इसमें से 305 में से 37 माइनस कर लें तो गाड़ी चली है, और इतनी जनाब गाड़ी की टैंकी हो गई है। तो दोबारा जनाब फिलअप कर देखते हैं जनाब कितना लीटर आया, कितनी गाड़ी ने एवरेज दी है, आपसे भी शेयर करेंगे। तकरीबन गाड़ी फुल हो गई है, और इसमें जो फ्यूल आया है वो आया है तकरीबन कितना हो गया, पूरा कर दें 50 रुपये, बस 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 19.1, यानी गाड़ी में तकरीबन 19.5 लीटर तेल खाया है। तो चेक करते हैं, लो जी भाई जान गाड़ी खड़ी करके चले गए जनाब फ्रूट लेने, हम यहाँ पर फ्रेश फूड ले लगे हैं फ्रूट वगैरह, क्योंकि कल का फ्रूट वगैरह तो नहीं खाया, बाकी सारा कुछ खा बैठे हैं मेरी भाईजान जनाब देसी जुगाड़ से फ्रूट को साफ कर रहे हैं, और पता नहीं किसको जनाब देख रहे हैं, देखें जी। प्रोफेसर साहब आप पार्ट टाइम फ्रूट का काम भी करते हैं? ओए 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 फ्रूट की मछलियां पकड़ ली मैंने, इसे ऐसे ही पकड़ लिया, 10 मिनट रखो गाड़ी में, इसने वो इधर से निकल के फिर उसके बाद गाड़ी में इसने लीक हो इन्हें, और नहीं लीक होता पैंपर थोड़ी है। चल हम लोग जो है वापस जा रहे हैं बरस्ता मुजफ्फराबाद जो हाईवे, और देखें जी लोगों ने बाइकआउट किए नहीं हम हिसाब में उन्होंने, ये जी इस्लामाबाद, ये देखें इधर से हमने जाना इस्लामाबाद ही, हम मुजफ्फराबाद जाने लगे थे, लेकिन फाइनली बाइक याद आ गई यार, ये लोग शर्म ही नहीं आ रही, ये बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे, देख हमारी पाक आर्मी और एयरफोर्स बल के। हाँ जी आप देख रहे जी, वो क्या बात है, रात को अभी गोल को घूमते आए हैं, असल मज़ा तो सामने है। गुड बाय जनाब, गुड बाय जी, ठीक है। तो असल मज़ा तो अब आया यार, रात को अभी घूमी घूमी करते रहे क्या बात है जी, अब तो 25-30 मिनट का रास्ता ही यार, रात को जिस रास्ते आए हो माइकल, वो किधर घूम रहा है माइकल, अच्छा है मेरा। हाँ चलो जी अभी का व्लॉग जो है वो अभी एंड करते हैं, इसकी नेक्स्ट एपिसोड आप देखेंगे उसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, तो आपने वो पोस्ट देखनी है, ये भी देखें
और जो नेक्स्ट एपिसोड वो आएगी वो भी आपने बस देखनी है। तो फिर मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।